सेवेंथ ग्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एंड टेकिंग ऑल द कोविड मेजर्स एंड यू मस्ट बी स्टडिंग रेगुलरली, क्योंकि एग्जाम सीजन है। यूजुअली इसी टाइम पे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और आप सबको और मुझे ये काम करना है दैट आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। वो कैसे होगा? अन अकेडमी के साथ पढ़ने पे होगा। सो अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर द बेस्ट एजुकेटर्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया टीच यू। नॉट ओनली आर दीज एजुकेटर्स द बेस्ट एजुकेटर्स बट दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। इसी कारण से अन अकेडमी जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में। इट इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब आपको भी अगर इस लार्जेस्ट एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना है देन यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, अन अकेडमी इज द प्लेस। इनफैक्ट अगर आपको फ्यूचर में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, यूजीसी नेट और जेईई मेंस, देन अगेन अन अकेडमी इज द प्लेस, बिकॉज अन अकेडमी इन सारे कोर्सेज पे अपने कोर्सेज ऑफर करता है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, किसी भी क्लास का कोर्स पढ़ना हो या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना हो, देन अन अकेडमी इज द प्लेस। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। एंड एक और आपके फायदे की बात, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज PJAIN10, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है, सो इफ यू यूज माई कोड PJAIN10 विच इज एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलता है किसी भी कोर्स पे। आप कोई सा भी पैकेज लो, आप 6 मंथ्स का पैकेज लो, आप 12 मंथ्स का पैकेज लो, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, आप अन अकेडमी के ऐप पे की कोई भी मंथ का पैकेज लो, कोई भी कोर्स के लिए प्रिपेयर करो, अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं दैट इज PJAIN10, तो आपको सीधा सीधा 10% डिस्काउंट मिलता है। अब बात यह आती है कि मैंने बोला कि अन अकेडमी पर सब्सक्राइब कर लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो सिर्फ इतना सा सफिशिएंट नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ। सो अन अकेडमी पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, जिससे एकदम से वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। सो यस, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सब आपकी लाइफ में होगा, रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएगा फॉर बेटर ऑफ कोर्स, पॉजिटिव चेंज। बट क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप अन अकेडमी के ऐप पे सब्सक्राइब करते हैं तो अन अकेडमी सबसे पहले तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं उस पर अन अकेडमी आपको स्टडी मटेरियल देगा, इससे बड़ा बेनिफिट तो कोई हो ही नहीं सकता, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे को तो बहुत पैनिक हो जाता था कि मटेरियल गूगल पे भी अगर मैं कहीं डालूंगी इंटरनेट पे, आधी चीज़ें तो मुझे मिलती नहीं थी, और जो मिलती थी वो इनकम्प्लीट सी होती थी, मतलब कभी मटेरियल पूरा नहीं होता था, सफिशियंट नहीं होता था। बट अन अकेडमी आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, पूरा स्टडी मटेरियल, तो आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट विल गिव यू द स्टडी मटेरियल। प्लस अन अकेडमी पे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, अपनी प्रोग्रेस देख सके और रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा था, दे आर टॉप एजुकेटर्स एट अन अकेडमी जो आपको पढ़ाएंगे, सो यू लर्न द बेस्ट एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आप अपने सारे डाउट्स जो एकेडमिक डाउट्स होते हैं उसी टाइम पे लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। ये तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए आप मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते, बट जो लाइव क्लासेस होती है अन अकेडमी की विच आर फ्री स्पेशल क्लासेस, तो अन अकेडमी की जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती है वहाँ पे आप अपने लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं जस्ट टू चेक आपको कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया, आप एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। प्लस अन अकेडमी पे आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि बेटा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, या फिर मैं कहूँ एक लाइफ लॉन्ग के लिए आपको एक फ्रेंड मिल जाएगा, एक गाइड मिल जाएगा, एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा अन अकेडमी पे, जो आपको
हमेशा गाइड करता रहेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है, कैसे और अच्छे से कवर किया जा सकता है, कितने टाइम में हम और अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं, एवरीथिंग। इसके अलावा एक पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिट है, दैट इज़ यू नो हमारे पेरेंट्स को बहुत डाउट्स होते हैं, चिंता होती है बच्चों के लिए कि ये आगे क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रीम इनको लेनी चाहिए, किस फील्ड में हम इनको आगे और मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। तो ऐसे ही एजुकेटर और पेरेंट कनेक्ट भी होता है अनअकैडमी पे, वेयर एजुकेटर्स कामली आंसर ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच पेरेंट्स हैव। तो काइंड ऑफ पीटीएम वाली फील आ जाती है पेरेंट्स एंड टीचर मीट की। इसके अलावा अनअकैडमी वीकली रिपोर्ट्स भी देता है, दैट इज पूरे वीक में आपने कैसा परफॉर्म किया, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो, वेयर यू आर लैकिंग इन योर परफॉर्मेंस, कैसे अपने रिजल्ट्स और आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब आपको एक वीकली रिपोर्ट आपके सामने होगी तो आप देख सकते हो, एनालाइज खुद से कर सकते हो कि आज मैंने इस पूरे वीक में ऐसा किया और मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ और अच्छे से, इससे अच्छा बेनिफिट और क्या हो सकता है। सो अनअकैडमी पे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, मैं पूरा दिन अनअकैडमी के बेनिफिट्स के बारे में बोल सकती हूँ, चर्चा कर सकती हूँ, डिस्कस कर सकती हूँ, बट अनअकैडमी के बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे, बिकॉज दैट्स हाउ मच बेनिफिट इट प्रोवाइड यू, दैट्स हाउ मच एफर्ट्स अनअकैडमी पुट्स इन टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स सिर्फ आपके लिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, एनरोल करना है अपने किसी भी कोर्स में जो आपको पढ़ना है, एंड यू हैव टू यूज माय कोड PJAIN10। आप कन्विंस हो गए, मैं थोड़ा और बोलूं, आई होप आप कन्विंस हो गए होंगे, एंड नाउ आई विल मूव अहेड। तो अभी तो मैंने आपको अनअकैडमी के बारे में बताया, बट अब मैं अपने बारे में बताऊंगी। सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7। I did my Bachelor of Arts in Psychology from Delhi University. अब मेरे बारे में भी हो गया, अनअकैडमी के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ इतना सारा, और आई गेस अब तक तो आप एनरोल भी कर चुके होंगे अनअकैडमी के कोर्स पे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, दैट इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, किसी भी राज्य की सरकार होती है, वो काम कैसे करती है। तो ये बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बट बहुत कुछ है इस चैप्टर में याद करने का, याद रखने का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आगे की क्लासेस में भी आपको काम आएगा। इनफैक्ट ये ऐसा चैप्टर है जो लाइफ लॉन्ग हमें काम आएगा, इसको एक चैप्टर के रूप में मत देखो बट एक नॉलेजेबल उस वे में देखो, बिकॉज ये चैप्टर इज सोली एंड सोली टू इंक्रीज योर नॉलेज, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग काम आएगी ये नॉलेज। बट जब मैं नॉलेज की बात करती हूँ तो हमें कंप्लीट नॉलेज लेनी चाहिए ना, हम आधी अधूरी नॉलेज क्यों लें, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज के कितने डिस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल है महाभारत। आई नो आपको समझ आ गया होगा मैं किस तरफ इंडिकेट कर रही हूँ, बट नॉट टू डाइग्रेस फ्रॉम आवर टॉपिक, नॉलेज इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वन कैन पोजेस। तो पहले हम ये जानेंगे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सिविक्स, चैप्टर सिविक्स का ही है ना, चैप्टर 3 ऑफ सिविक्स। तो पहले हम समझेंगे सिविक्स का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उस जो सब्जेक्ट का है, अगर उस सब्जेक्ट के बारे में ही हमें नहीं पता होगा कि वो सब्जेक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, तो हमारी नॉलेज तो इनकम्प्लीट ही है ना। तो हमें अपनी नॉलेज इनकम्प्लीट बिल्कुल भी नहीं रखनी है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सिविक्स क्या होता है, and gradually we'll delve into our chapter, that is how the state government works, कैसे राज्य की सरकार काम करती है। बहुत इजी सा चैप्टर है, समझ के चलना है, जैसे ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, टिप्स पे होंगे, तो आपको ये चैप्टर रटना ही नहीं है और लाइफ लॉन्ग कभी भूलोगे भी नहीं। बट पहले जैसे कि मैंने कहा, हम पढ़ेंगे सिविक्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड सिविक्स क्या होता है। सो सिविक्स In very simple terms, it's basically the study of rights and duties of citizens. यानी कि जो राज्य या कोई देश के या इस वर्ल्ड के जो citizens हैं, जो लोग हैं किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट के, उनके क्या rights and क्या duties होती हैं, यानी कि क्या उनके अधिकार होते हैं और क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। So
हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे इतने सारे राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, जो हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा, ये सारे राइट्स के बारे में और हमारी एज सिटीजन्स हमारी स्टेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमारी क्या ड्यूटीज होती है, या किसी कंट्री के लिए हमारी क्या ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये सब आता है सिविक्स के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सिविक्स की बुक खोलोगे ना, पतली सी मीडियम साइज की, जो भी शेप एंड साइज कलर की जो बुक है, जब भी आप अपनी सिविक्स की बुक खोलोगे तो ये आपको क्लिक करना चाहिए कि सिविक्स जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि दैट्स हाउ वील बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन। और मेरा तो यही फंडा है, अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो एकदम कंप्लीट नॉलेज लेनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज का तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं आज चैप्टर आपको सिखाऊंगी, आपको समझ भी आ जाएगा, आप एग्जाम्स देकर भी आ जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, बट नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी ना यार। तो आई गेस अब आपको पता है सिविक्स का मतलब क्या है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सिविक्स की बुक खोलोगे या कभी ये वर्ड सुनोगे सिविक्स, या जब कहीं भी सिविक्स पढ़ोगे, बुक खोलोगे या सिविक्स का एग्जाम दोगे, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि सिविक्स वर्ड का क्या मतलब है। एंड नाउ फाइनली मूविंग टू आवर चैप्टर, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। बट उससे पहले हमें जानना ही बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या होते हैं और गवर्नमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। सो आपकी बुक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रिफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, विच आर हेडेड बाई डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इसके बारे में हम और डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लो, गवर्नमेंट एज पर योर बुक रिफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स। अब गवर्नमेंट के जो है इट वर्क्स एट थ्री लेवल्स, ठीक है, ये सब आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। जस्ट अ क्विक रिकैप, सो गवर्नमेंट वर्क्स एट थ्री लेवल्स, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है और नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट काम करती है। जो लोकल गवर्नमेंट का काम है वो आपने सिक्स्थ में पढ़ा था, अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो आप अभी सेवन्थ में पढ़ोगे, और नेशनल गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे। सो लोकल गवर्नमेंट तो आपको पता ही है क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट रन, हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन। सो आई होप गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के जो तीन लेवल्स होते हैं वो आपको क्लियर है, दैट गवर्नमेंट रन्स एंड वर्क्स एट थ्री लेवल्स, दैट इज लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत वगैरह होती है जो आपने पढ़ी, स्टेट गवर्नमेंट जो अब हम पढ़ेंगे, और नेशनल गवर्नमेंट जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। सो मूविंग अहेड, थ्री लेवल्स पे काम करती है, और जैसा कि मैंने कहा कि हम इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टेट गवर्नमेंट, बट उससे स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू फंक्शन करती है, कैसे करती है हम आगे और अभी पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, तो एक वो जो आपकी स्कूल वाली मॉर्निंग असेंबली होती थी वैसी नहीं है, इट इज नॉट लाइक अ स्कूल असेंबली, ये काफी अलग असेंबली होती है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। इट इज अ प्लेस वेयर ऑल इट्स मेंबर्स मीट एंड डिस्कस इश्यूज, यानी कि ये जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब इस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिलते हैं, और जितने भी स्टेट के अलग अलग इश्यूज होते हैं, पानी का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, या कोई भी ऐसा इशू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मेंबर्स कौन होते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कौन होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कौन होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस where all its member meet and discuss issues, ऐसी जगह जहाँ पे उसके सारे members मिलते हैं और अलग अलग issues discuss करते हैं, उस जगह को हम कहते हैं legislative assembly। अब हर state की एक legislative assembly होती है, तो यानी कि इंडिया में जितने भी states हैं हर state की एक अलग legislative assembly होती है। यहाँ पे
जितने भी मेंबर्स होते हैं असेंबली के, वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, दे क्वेश्चन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट और एक एक्शन डिमांड करते हैं कि जो भी कोई इशू है उसका सोल्यूशन होना चाहिए. दे डिमांड एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू. सो दैट्स हाउ, दैट्स व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली इज एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इनसाइड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट ऑल द मेंबर्स मीट, दे डिस्कस, दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, दे क्वेश्चन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे डिमांड एक्शंस. अब जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे मीट एंड डिस्कस इश्यूज. बट ये मेंबर्स कौन होते हैं और कैसे बनते हैं? सो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि जो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, हम जो आम पब्लिक है, दे इलेक्ट देयर, वी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली. तो एक तरह से देखा जाए, हम लोगों के पास बहुत मेन अथॉरिटी होती है, बिकॉज हम ऑब्वियसली हर स्टेट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, करोड़ में होती है या फिर लाख में होती है, लाखों लोग या करोड़ों लोग एक स्टेट में रहते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली इतने करोड़ों लोग तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जा सकते. तो लोग क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे, आप और मेरे जैसे लोग, इतने सारे जो लोग हैं, हम जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में तो नहीं बैठ सकते, राइट? तो हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं कि ठीक है, हम लोग तो नहीं जा सकते, बट हमारे बिहाफ पे एक पर्टिकुलर पर्सन जाएगा. एक पर्टिकुलर पर्सन हमारी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे बिहाफ पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके हमारी नीड्स को रिप्रेजेंट करेगा. सो जितने भी लोग होते हैं, दे इलेक्ट वन पर्सन हु रिप्रेजेंट देम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, उसको कहते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर MLA, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें हम तो MLA. सो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल who form the government in the legislative assembly, and because they are elected by the people, they are the representatives of the people, they represent the needs and requirements and other issues, needs and requirements of the people. जो लोग issues face कर रहे हैं, कोई problems face कर रहे हैं, तो ये जितने भी representatives होते हैं, ये जाके उस legislative assembly में हमें address करते हैं, हमारी needs को address करते हैं. So that's why they are called the MLAs or the members of the legislative assembly. और यहाँ पे हम बहुत important role play करते हैं, because we decide our representatives. इसलिए कहा जाता है हमें बहुत सोच समझ कर अपने representatives को decide करना पड़ता है, because ultimately they only represent our needs. तो अगर हम किसी गलत person को हमारा representative choose कर लेंगे और वो legislative assembly में जाके हमारी needs and requirements को स्टेट ही नहीं करेंगे, अगर वो हमारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को पूरे असेंबली में बताएंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. तो इसलिए ही जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, तो ये हमारी बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एकदम अच्छे, बेस्ट से बेस्ट इंसान को एज आ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, हु फर्दर बिकम्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो आई होप लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है और उसके मेंबर्स कौन होते हैं अब आपको क्लियर होगा. अब एक और टर्म बच जाता है, हमने डेफिनेशन लेजिस्लेटिव असेंबली की डेफिनेशन में पढ़ा दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल इट्स मेंबर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी मीट एंड डिस्कस इश्यूज. मेंबर्स कैसे बनते हैं वो तो हमने जान लिया, बट रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन के अब क्या मेंबर्स होते हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे. बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे जितने भी MLAs होते हैं, जिनको हमने एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया है, ये MLAs मिलते हैं, अलग अलग इश्यूज डिस्कस करते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, दे क्वेश्चन, they give their suggestions on the working of the government and they demand action. So I hope legislative assembly and MLAs aapko clear hoga.
बट एमएलएस कैसे बनते हैं हम अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे बनते हैं, हर स्टेट को ना अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। सो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं। आई एम श्योर इलेक्शंस के टाइम पे ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। और एक क्विक एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ कि इस वीडियो के बाद जस्ट गो टू योर फादर और मदर और एनी एल्डर पर्सन एंड आस्क देम कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए या एमपी कौन है। ये चैप्टर में हम एमएलए की ही बात कर रहे हैं, तो अभी आप जाके इस वीडियो के बाद अपने फैमिली मेंबर से पूछेगा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन आपका रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि कौन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए है, यानी कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो वहां के लोगों ने, आप लोगों ने यानी कि किस इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, किसको अपना एमएलए बनाया है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए समझो दैट एवरी स्टेट, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। एक इतना बड़ा जो स्टेट होता है उसको अलग 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 एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और इन अलग एरियाज को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब अगर हम आपकी बुक के एग्जाम्पल, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है उसकी बात करें, तो बुक में हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है और मैंने भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ही एग्जाम्पल लिया ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो। तो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है उसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया और अलग अलग एरियाज में डिवाइड करने के बाद हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अब हर स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी बिकॉज ऑब्वियसली गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है तो वहाँ की नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत कम होगी। वेयर एज राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। तो हर स्टेट की उसके साइज के अकॉर्डिंग, हर स्टेट को कितने एरियाज में डिवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है वो आपको क्लियर होगा दैट हर स्टेट को हम अलग अलग एरियाज में डिवाइड करते हैं और इन एरियाज को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। एंड बिकॉज हर स्टेट अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग एरिया का होता है, तो हर स्टेट की अलग अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। अब क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग लोग रहते हैं, सो दीज पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि मैंने बताया था हर स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं और करोड़ों लोग रहते हैं, और इट इज नॉट वेरी पॉसिबल दैट जितने भी करोड़ों लोग हैं सब एक गवर्नमेंट बनाए, वरना बहुत क्योटिक, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही पता नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता, तो हम जो लोग हैं हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अगर इलेक्शंस जीत जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में जीत जाते हैं देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पूरे स्टेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर देना, सो हर एरिया से फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल यानी कि आप और हम, वी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड ये रिप्रेजेंटेटिव अगर इलेक्शंस जीत जाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं अगर वो जीत जाता है, देन ही और शी बिकम्स मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए। ठीक है, सो ये हर स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो इलेक्शन जीतने पर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं या फिर एमएलए बन जाते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर मैं कहूँ जो एमएलए हैं, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। तो हो सकता है कोई एमएलए बीजेपी के जीते हों, या कोई एमएलए कांग्रेस के जीते हों, कोई आप पार्टी के जीते हों, या आपके स्टेट में कोई और अलग रीजनल पार्टीज हैं वहाँ के कोई एमएलए जीते हों। तो हर
हर जो एमएलए होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्शन लड़ते हैं। 10 MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई 2 या 3 लोग जीत जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक जना जीतता है, और वो जो एक जना होता है, जो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है या एमएलए होता है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं। तो जो एक्टिविटी मैंने आपको दी थी कि आप इस वीडियो के बाद अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या घर में जो भी बड़ा है उससे जाके पूछो कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से कौन आप किसको आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है, उसी में एक क्वेश्चन और पूछना कि ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि जो एमएलए है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो किस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है। तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, ये करके देखो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है, क्या एमएलए कैसे बनते हैं और क्या ये अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है वो आपको क्लियर है, MLAs कैसे इलेक्ट होते हैं वो आपको क्लियर है, और हमारी कितना हमारा कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, हाउ इम्पोर्टेंट रोल वी प्ले इन चूजिंग आर रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टिंग द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी आपको क्लियर होगा। एंड आई गेस ये छोटा सा पॉइंट भी आपको एकदम क्लियर होगा, दैट ऑल दीज MLAs बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो नाउ वी मूव अहेड। हमने हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो डेफिनेशन थी, जो हमने थोड़ी स्लाइड्स पहले पढ़ी थी, दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल इट्स मेंबर्स और MLAs, वेदर फ्रॉम अ रूलिंग पार्टी या फिर ऑपोजिशन पार्टी, मीट एंड डिस्कस इश्यूज। आई होप ये आपको क्लियर होगा, वरना आप थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, अब बहुत ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तब भी था आपके माइंड में, होगा माइंड में, कि रूलिंग पार्टी क्या होती है और ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, और तब मैंने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलएज हैव वन मोर देन हाफ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट आर इन अ मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है, इसको हम फिर से हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं, क्योंकि वही एग्जाम्पल हम थ्रू आउट लेने वाले हैं, बिकॉज दैट्स द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर बुक एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स। सो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 एरियाज या फिर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए मोर देन हाफ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए, यानी कि अगर हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो टोटल 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए जीतने चाहिए। जैसे यहाँ पे बीजेपी ही जीती है, तो मैं बीजेपी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। सो हिमाचल प्रदेश में जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, तो देयर वर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी बनाने के लिए 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतना जरूरी था, यानी 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे उसके एमएलए जीतने चाहिए थे, 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से उस पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए हैं वो इलेक्ट होने चाहिए थे। बट बीजेपी का क्या हुआ, चाहिए तो सिर्फ 34 थे, बट बीजेपी वन फ्रॉम 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहां से बीजेपी के एमएलए जीत गए, तो उनकी मेजॉरिटी फॉर्म हो गई, बिकॉज 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज टोटल थी, चाहिए थी सिर्फ 34 जीतने के लिए, दैट इज बिकॉज 34 से ज्यादा चाहिए थी, बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उससे मोर देन हाफ, यानी 68 का हाफ हुआ 34, सो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी बनाने के लिए वहां पे 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ज्यादा जीतना जरूरी था, और बीजेपी 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत गई, यानी 34 का भी 10 और 34 से भी 10 और ज्यादा जीत गई थी, तो बीजेपी फॉर्म्ड अ मेजॉरिटी इन हिमाचल प्रदेश। आई होप ये आपको क्लियर आ गया होगा,
नहीं हुआ होगा तो भी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक मेजोरिटी बनाने के लिए उस स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसके आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे अपने एमएलए को जिताना जरूरी होता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हिमाचल प्रदेश में हैं उनको 34 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा पर अपने एमएलए जिताने थे, यानी 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे उनके एमएलए जीतने चाहिए थे, बिकॉज 34 इज हाफ ऑफ 68, 68 का हाफ इज 34, और किसी भी मेजोरिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी बनाने के लिए 34 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतना जरूरी था। जो बीजेपी थी दे वन 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी जो 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहां से उनके जो एमएलए थे जीत गए थे, इसलिए दे फॉर्म द मेजोरिटी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, यानी जिसके सबसे ज्यादा एमएलएज होते हैं और जो रिक्वायरमेंट है मोर देन हाफ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो जो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो मेजॉरिटी फॉर्म करता है, और जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी में होती है यानी जिसके सबसे ज्यादा एमएलए जीतते हैं इलेक्शन में, उसको हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। और जितने भी बचे हुए मेंबर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत तो गए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहाँ से वो खड़े हुए थे वहां से जीत तो गए बट वो रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं बन सके, तो जितने भी ऐसे मेंबर्स होते हैं वो ऑपोजिशन कहलाते हैं। अगेन अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो हिमाचल प्रदेश में थे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें से 44 तो बीजेपी जीत गई थी। अब जो बची हुई 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो ये जो 24 बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग जीते दे फॉर्म द ऑपोजिशन पार्टी। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा रूलिंग पार्टी क्या होती है, यानी कि वो पार्टी जो मेजॉरिटी में है, जिसके सबसे ज्यादा एमएलए जीते हैं एंड एमएलए जो है दे फुलफिल मोर देन हाफ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले रिक्वायरमेंट, दे फॉर्म द रूलिंग पार्टी। और जितने भी बचे हुए दूसरे मेंबर्स हैं जो जीत तो गए इलेक्शन बट रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, ऑल ऑफ देम फॉर्म द ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, अब ये जो एमएलएज हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर असेंबल होते हैं यानी कि इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, उनको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए। और एमएलए का एक और नाम होता है लेजिस्लेचर। यहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अलग अलग कलर्स में आपको दिखेगा कि कौन से स्टेट में कौन सी रूलिंग पार्टी है। तो राजस्थान में इस मैप के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन द रूलिंग पार्टी, इट हैज द मेजॉरिटी नंबर ऑफ एमएलए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में कोलिशन की गवर्नमेंट है, यानी कि अलग अलग पार्टीज ने आके यहाँ पे कोलेशन किया, मिल के सरकार बनाई हुई है, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो रेड में दिख रहा है वो वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं जो रूलिंग पार्टीज हैं जो मेजॉरिटी में है। तो यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है अभी रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शन हुए और तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे जीती है। सो टीएमसी इज बेसिकली अ रीजनल पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जितने भी रेड कलर के स्टेट्स आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, सो दैट्स बेसिकली जो रीजनल पार्टीज वहाँ की है वो रूलिंग पार्टी है, वो मेजॉरिटी में है। सो दिस बेसिकली दिस होल मैप ऑफ इंडिया बेसिकली डिनोट्स कि यहाँ पे कौन सी पार्टी मेजॉरिटी फॉर्म करती है अलग अलग स्टेट्स में, कौन रूलिंग पार्टीज है। तो हर स्टेट का अलग अलग कलर है और साइड में आपको कलर के अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी है वो भी दिख रही होगी। सो नाउ वी कम टू चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर क्या होते हैं। अब हमने ये तो समझा एमएलए क्या होते हैं, बट हमारा चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। और स्टेट गवर्नमेंट की जब बात आती है तो आपने सबसे ज्यादा यही सुना होगा मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। एंड आप सोच भी रहे होंगे
कि हमने तो अभी तक यही सुना था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है चीफ मिनिस्टर रन करते हैं या फिर उनके मिनिस्टर्स होते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के नाम होते हैं, हम इवन टीवी न्यूज पे टीवी पे जो न्यूज आती है वो भी अगर हम देखते हैं या रेडियो भी सुनते हैं तो हर जगह जो चीफ मिनिस्टर है उसी का नाम आता है। और हमने तो अभी तक ये देखा था एमएलए कैसे इलेक्ट होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, बट अब हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं और उनके मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। सो जब स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं और जो एमएलए हुआ फ्रॉम द रूलिंग पार्टी वो अपना एक लीडर बनाते हैं विच इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। यानी कि हम फिर से ढंग से अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं, ठीक है। तो पहले जो है जो लोग हैं यानी कि हम और आप, वी चूज आर रिप्रेजेंटेटिव जो कि बनता है एमएलए या फिर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी हाफ से भी ज्यादा अगर एमएलए किसी पार्टी का है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से थोड़ा सा ज्यादा जीतना था किसी भी पार्टी के लिए, एंड बीजेपी वन 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो भी एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी के यानी कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके सबसे ज्यादा एमएलए जीते हैं, तो इलेक्शंस के बाद ये जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं ये अपना एक लीडर चुनते हैं, ठीक है। लोगों ने एक एमएलए सेलेक्ट कर लिया, एक एमएलए को जिता दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव अपना सेट कर लिया। अब ये जो जितने भी रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी कि रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलए होते हैं ये फर्दर अपना एक लीडर चुनते हैं कि हम 40 एमएलए हैं फॉर एग्जांपल, तो हम 40 का भी एक लीडर होना चाहिए। ये लीडर को कहते हैं चीफ मिनिस्टर। अगर हम फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो हमें पता है हिमाचल प्रदेश की 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, चाहिए कितनी थी, 34 से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतनी ज़रूरी थी फॉर एनी पार्टी टू बिकम अ रूलिंग पार्टी। बीजेपी की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई थी, 44। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, आप बुक भी रेफर कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। सो बीजेपी की आई थी 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बीजेपी 44 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गई थी, यानी कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी में थी, उसके सबसे ज़्यादा एमएलए जीते थे और जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा एमएलए जीते थे, तो बीजेपी बनी हिमाचल प्रदेश में रूलिंग पार्टी। अब बीजेपी के जितने भी एमएलए जीते थे उन्होंने अपना एक लीडर चूज किया, एक चीफ मिनिस्टर चूज किया, वो लीडर है श्री जयराम ठाकुर, हु इज द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो बीजेपी के जितने भी एमएलए थे हिमाचल प्रदेश में, दे चोज श्री जयराम ठाकुर जी एज द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज करेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ये पूरी गवर्नमेंट का हेड होता है, एक मुखिया होता है पूरी गवर्नमेंट का, और जितने भी डिसीजन होते हैं, कौन से डिसीजन लेते हैं, ये सब चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। ये चीफ मिनिस्टर अपने अंडर काम करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, ये मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और पूरे जो स्टेट है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स संभालते हैं, दे लुक आफ्टर दे हेड डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो हम फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे ताकि एकदम हमें क्लियर हो जाए। हर स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग यानी कि जो पब्लिक है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हम हमारा एक एमएलए चूज करते हैं। जो भी एमएलए रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं यानी कि जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी भी स्टेट की है उससे ज्यादा, उससे हाफ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए वो हाफ से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाते हैं, देन दैट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स द रूलिंग पार्टी। अब ये रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलए हैं ये अपना एक लीडर डिसाइड करते हैं जिसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर, और ये चीफ मिनिस्टर फर्दर और थोड़े मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं
उनको हेड करने के लिए मिनिस्टर्स बनाते हैं, और ये मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट को फिर हेड करते हैं। ये हम और अच्छे से समझेंगे थ्रू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, बट इतना आप समझ लीजिए, हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं एमएलए और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी रूलिंग पार्टी के एमएलएज होते हैं, ये फर्दर अपना खुद का एक लीडर डिसाइड करते हैं, उस लीडर को कहते हैं हम चीफ मिनिस्टर। ये जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये आगे जाके अपने खुद के लिए और मिनिस्टर्स इलेक्ट कर अपने मिनिस्टर्स चूज करता है, अपने मिनिस्टर्स सेलेक्ट करते हैं, और ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। दे हेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे सुपरवाइज डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो आई होप आपको अब तक क्लियर होगा कि एमएलएस कैसे बनते हैं, ये एमएलएस फिर फर्दर चीफ मिनिस्टर को कैसे बनाते हैं, और चीफ मिनिस्टर आगे फिर मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं। ये तो थी बात कि चीफ मिनिस्टर्स को एमएलए चूज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा, ये बच्चों एकदम ध्यान से समझना कि जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज होते हैं, वो अपना एक लीडर चूज करते हैं, बट उनका जो चूज किया हुआ लीडर है, उसको उस पोजीशन में अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी जो स्टेट है, उसके जो भी गवर्नर हैं, वो सीएम और सीएम के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। सो आई जस्ट क्विकली रीड व्हाट इज रिटन ऑन दिस स्लाइड। After elections, MLAs belonging to ruling party elect their leader who becomes the chief minister. In the case of Himachal Pradesh, BJP MLAs chose Shri Jairam Thakur as the CM of Himachal Pradesh. Overall head of the government is the chief minister, यानी कि पूरे government का जो head है, जो principal है, वो है chief minister who further selects other people, other MLAs as his or her ministers. These CM and other ministers are appointed by the governor of the state. तो MLAs जो है सिर्फ अपने CM को choose करते हैं, CM सिर्फ अपने ministers को choose करता है, but in CM और ministers को अगर उनकी position पे कोई appoint करता है, तो वो है governor of the state. और इस picture में आप सोच रहे होंगे, इतने सारे faces आपको इस picture में दिख रहे हैं, so these are basically chief ministers of all the states in India. तो ये इतने सारे जो आपको faces दिख रहे हैं, they are basically different chief ministers of different states. Now moving ahead, कि chief minister के क्या roles होते हैं, उनकी क्या duties होती हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया था, chief minister is the head of the state and वो सारे decisions लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर और उनके अंडर जितने भी मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने खुद नहीं चूज किए हैं, सो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज। जैसा कि मैंने बताया था, चीफ मिनिस्टर जो है अपने मिनिस्टर्स सेलेक्ट करते हैं, और ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज संभालते हैं। क्या होता है इन मिनिस्ट्रीज से, so these ministers take action through various departments like health department, education department, agriculture department, transport department, ऐसे बहुत सारे departments होते हैं या बहुत सारी ministries होती हैं, और जो chief minister होता है वो हर department के लिए एक minister appoint करता है कि ये minister ये वाला department संभालेगा। okay, काफी school जैसा होता है, जैसे हर school में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसकी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होती है जो पूरे डिपार्टमेंट को देखती है। सो साइंस की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलग होंगी, इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलग होंगी, और एक जो है प्रिंसिपल है, आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल डिसाइड्स कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके डिपार्टमेंट को कौन सी टीचर हेड करेगी। और ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होती है आपकी, जो टीचर्स, दे लुक आफ्टर कि डिपार्टमेंट को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज डिपार्टमेंट के अंदर करवा सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं। सो वैसे ही यहाँ पे मेन हेड होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स एक मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट के लिए, और ये जो मिनिस्टर हैं, ये अपने डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री संभालते हैं कि कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और लोगों को इस मिनिस्ट्री के थ्रू बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये सारे काम दे टेक एक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नई हेल्थ पॉलिसी लानी है तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका जो हेल्थ मिनिस्टर है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई नई एजुकेशन पॉलिसी लानी है स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो आपस में डिसाइड करके एजुकेशन मिनिस्टर जो है इस डिपार्टमेंट के थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू नई पॉलिसीज लाएंगे। सो दे टेक एक्शन थ्रू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या फिर डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर है दे आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। दे कन्विंस पीपल हु आस्क सच क्वेश्चन दैट एडिक्वेट स्टेप्स वुड बी टेकन। तो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं एमएलएज हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। इस मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के थ्रू दे टेक देयर एक्शंस, दे आंसर द क्वेश्चंस जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑपोजिशन मेंबर्स पूछते हैं, दे डिबेट अबाउट इट, और ये जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं दे ऑल्सो ट्राई टू कन्विंस पीपल कि अगर कोई इशू आ गया है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ये पहले तो एक्शंस लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू, जो भी डिपार्टमेंट ये हेड कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं ये उनको आंसर करते हैं और ये कन्विंस करते हैं लोगों को कि एडिक्वेट स्टेप्स यानी कि प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे उस इशू के ऊपर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज मीट एंड डिस्कस इशूज, जहाँ पे सारे एमएलएज वेदर रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं या फिर ऑपोजिशन मेंबर्स हैं वो सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और जो इश्यूज हैं स्टेट के वो सब डिस्कस करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कुछ एमएलएज की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो पहले तो वो जो एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं वहाँ का भी उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और अगर वो एमएलए कोई मिनिस्टर है तो उनको वो अपनी मिनिस्ट्री भी संभालनी पड़ेगी। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज एमएलएज जो मिनिस्टर्स भी बनते हैं यानी कि कोई मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो अगर कोई एमएलए मिनिस्टर बनता है तो उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पहली तो जो उनकी मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट उनको अपॉइंट किया गया है वो संभालते हैं। उसके अलावा वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बने हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट भी वो सब देखते हैं। तो उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। किन की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो एमएलएज जो मिनिस्टर्स भी हों। जैसे अगर मैं आपको राजस्थान का एग्जाम्पल दूँ तो राजस्थान के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जब बीजेपी पावर में थी, या फिर मैं अभी की भी बात करूँ तो अभी कांग्रेस यहाँ पे रूलिंग पार्टी है राजस्थान में, एंड यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री रघु शर्मा जी। सो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट भी देखते हैं, प्लस उनकी जो इतनी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है दैट इज हेल्थ मिनिस्ट्री वो उसको भी संभालते हैं। तो दैट इज वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही लुक्स आफ्टर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दिस इज हाउ एमएलएज हु बिकम मिनिस्टर्स हैव टू लुक आफ्टर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जहाँ से वो इलेक्टेड हैं, जहाँ के लोगों ने उनको इतना ट्रस्ट करके इलेक्ट किया है, और दूसरा वो जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं या जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। आई होप आपको रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स एकदम क्लियर होगा अच्छे से। अब बात करते हैं एमएलएज के क्या रोल होते हैं। तो हमने ये समझा कि स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, उनके क्या रोल्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर अपने जो मिनिस्टर सेलेक्ट करता है उन मिनिस्टर्स के क्या रोल होते हैं। अब जो एमएलएज हैं, जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनके बारे में हमने इतनी बात की, उनके क्या रोल्स होते हैं तो वो अब हम समझेंगे। सो एमएलएज क्या करते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, दे कैन डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, दे कैन गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी एमएलएज हैं, एमएलएज मतलब क्या, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी एमएलएज हैं, नो मैटर वेदर दे आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी या फिर दे आर फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, ये एमएलएज
अपने ओपिनियंस लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उनको क्या लगता है, उनको क्या फील होता है कि कैसे गवर्नमेंट को और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए. दे कैन आस्क क्वेश्चंस टू द रूलिंग पार्टी. द जो ऑपोजिशन पार्टी के एमएलएज हैं वो रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन कर सकते हैं. इनफैक्ट रूलिंग पार्टी के एमएलएज भी ऑपोजिशन पार्टी के एमएलएज को कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. एक डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में जहाँ पे दोनों पार्टीज ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी अपने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं. वो सजेशंस भी देते हैं गवर्नमेंट को कि कौन से इशू पे गवर्नमेंट और बेटर कर सकती है या फिर उनको क्या करना चाहिए. सो एमएलएज का मेन रोल ये होता है, दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोगों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सप्रेस करते हैं. They ask questions, they debate on important issues, they give suggestions and they also try to question the government या they also suggest the government की जो money allocation होता है वो कैसे government को अलग अलग department में कितना money देना चाहिए या किस scheme में किस campaign में money government waste कर रही है या better way में use कर सकती है, क्योंकि money हमारा ही होता है, taxpayers का ही होता है. So MLAs express their opinions, they ask questions, they debate and they give suggestions on the government working. अब जितने भी decisions होते हैं जो एक chief minister और उनके ministers लेते हैं, they have to be approved by the MLAs. यानी chief minister कोई भी अगर decision लेता है या even कोई minister अपने कोई decisions लेते हैं तो वो minister के decisions या उनकी scheme या policies या फिर कोई नया लॉ बनाते हैं, कोई नया कानून बनाते हैं, ऑल देयर डिसीजंस नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द एमएलए. तो एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमएलए की, आपको पता ही चल गया होगा कि इवन अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी कोई रूल बनाता है तो इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द एमएलए फर्स्ट. सो बेसिकली हम कह सकते हैं दैट एमएलएज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे सुपरवाइज एंड ऑथोराइज गवर्नमेंट्स वर्क. तो एमएलए एक बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं. एमएलए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, और एक बेटर एमएलए चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है बिकॉज वी ओनली इलेक्ट आर एमएलए. इसलिए कहते हैं कि हमें हमारे एमएलए बहुत ज़्यादा सोच समझ के चूज करने चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली दे ओनली आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. वही जाके लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी ज़रूरतों को, हमारी क्या नीड्स हैं उनको आगे स्टेट करेंगे, उनको आगे पुट फॉरवर्ड करेंगे. इसलिए एमएलएस को चूज करना बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है और एमएलएस की ड्यूटीज बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज दे ओनली अप्रूव द वर्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स. दे सुपरवाइज एंड ऑथराइज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज अगर एमएलए अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अगर वो रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो यू नो गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो इतनी स्मूथ ही नहीं हो पाएगी बिकॉज जो रूलिंग पार्टी में फिर वो अपनी ही सब सारे डिसीजंस खुद के ही चलाएगी अगर कोई उन्हें क्वेश्चन नहीं करेगा, उनके कोई गलत डिसीजंस का कोई विरोध नहीं करेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो बहुत क्योटिक हो जाएगा और सिचुएशन जो है हाथ से भी निकल सकती है. इसलिए जो है एमएलएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसलिए हमें जो अपने एमएलएस हैं वो बहुत वाइजली चूज करने चाहिए. सो नेक्स्ट टाइम जब आपके घर से कोई वोट डालने जाए स्टेट गवर्नमेंट का, आपका जॉब ये है, क्योंकि अभी तो आप सेवन स्टैंडर्ड में हो अभी तो आप वोट नहीं डाल सकते, बट जब आप 18 के होते हो या फिर आपकी फैमिली से नियर फ्यूचर में कोई स्टेट इलेक्शंस में वोट देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि भाई बहुत सोच समझ के जो है वोट डाल के आना बिकॉज हमारे एमएलएज हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से सोच समझ कर चुनें. सो आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा एमएलए इलेक्ट कैसे होते हैं, एमएलए जो इलेक्ट हो जाते हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, हाउ डू दीज एमएलए चूज द चीफ मिनिस्टर एंड हाउ डज चीफ मिनिस्टर फर्दर चूज हिज और हर मिनिस्टर्स, और इन चीफ मिनिस्टर्स का, उनके मिनिस्टर्स का और एमएलए के क्या रोल्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं,
आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नाउ अब बात आते हैं, अब हमें ये तो समझ आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे है। एमएलएस बनते हैं, फिर एमएलए चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, जो आगे जाके मिनिस्टर्स चूज करते हैं, उनके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि ये सब बनते कैसे हैं। बट अब बात आती है कि जब एक गवर्नमेंट बन गई, जब एक स्टेट की गवर्नमेंट बन चुकी है, तो वो काम कैसे करती है। सो व्हाट्स द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो अभी हमने समझा था लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस जहाँ पे एमएलएस मीट एंड डिस्कस डिफरेंट स्टेट इश्यूज, रूलिंग पार्टी के हो या ऑपोजिशन पार्टी के, जितने भी एमएलएस हैं, जो भी आने की कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, दे गैदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर वो क्या करते हैं, दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, दे डिस्कस डिफरेंट इशूज, दे डिबेट अपॉन इट, दे सजेस्ट द सोल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम। तो ये सब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। बट ये एक्सप्रेसिंग ऑफ द व्यूज, डिस्कशन, डिबेट, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो ये जितनी भी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, या ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। मीडिया जो है, यानी कि टीवी न्यूज़ चैनल्स या कोई मैगजीन्स हैं, वहाँ पे भी इन इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर सकती है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर इशू अराइज होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं, या अनाज के प्राइस बढ़ गए हैं, वीट या फिर जो भी चावल या मसाले, इनके जो प्राइस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे कोई इश्यूज होते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही डिबेट नहीं होती, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में भी डिबेट होती है। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकती है। दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एलिगेशन जो ऑपोजिशन पार्टी उन पे लगाती है, या फिर दे कैन इवन यूज न्यूज़पेपर्स एंड जो मीडिया के अलग अलग चैनल्स होते हैं, वो उनके मीडियम से, उनके वे से लोगों को कन्विंस कर सकती है, या लोगों को एक्सप्रेस कर सकती है कि सरकार क्या सोच रही है आगे करने का, क्या स्टेप सरकार इस पर्टिकुलर इशू पे लेगी ताकि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। सो व्हेनेवर अ पर्टिकुलर इशू अराइसेस, न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशूज, एंड गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू दैट इशू, एंड दे रिस्पॉन्ड समटाइम थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपने टीवी पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब भी कोई किसी भी स्टेट में कोई इशू हो जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं सरकार पे, ऑपोजिशन पार्टी भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, बहुत सारी ब्लेमिंग होती है, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और टीवी चैनल पे बहुत अच्छे से हमने देखा हुआ होगा कि जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना होता है, जो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस, जो पब्लिक के क्वेश्चंस हैं, या फिर वो कैसे एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने की सोच रहे हैं, और वो ये कैसे करते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब बात आती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या है। हमने ये समझा लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट्स होती हैं। फिर हमने ये भी जाना कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये सब होता है, न्यूज़पेपर एंड मीडिया के थ्रू भी जो गवर्नमेंट है ये सब चीज़ें कर सकती है। और फिर हमें पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत कॉमन वे है जिससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है लोगों के क्वेश्चंस को। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट है, यानी कि जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ जर्नलिस्ट, उन सबको इनवाइट किया जाता है। एंड वंस ऑल दीज जर्नलिस्ट कम एट द कॉन्फ्रेंस, तब जो गवर्नमेंट है वो सारे वन बाय वन उन सबके क्वेश्चंस को आंसर करती है, और फिर ये जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करते हैं, या तो टीवी चैनल्स पे रिपोर्ट करते हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स पे रिपोर्ट करते हैं कि मंत्री साहब ने या मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा कहा, या मुख्यमंत्री साहिबा ने, अगर कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर है, या फिर मंत्री साहिबा ने ऐसा बयान दिया, या ऐसा उनने बोला, एंड सो दे बेसिकली रिपोर्ट।
इसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट हु आर इनवाइटेड टू हियर एंड आस्क क्वेश्चंस. ये बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना कि जर्नलिस्ट को इनवाइट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट की बात सुने और बात सुनने के बाद उसी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके किसी भी पर्टिकुलर इशू पे. और फिर क्या करते हैं, सो दे हियर एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड देन दीज जर्नलिस्ट रिपोर्ट इट टू द लार्जर पब्लिक. तो क्या होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं फिर से समराइज और रिवाइज कर देती हूँ. सो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली जर्नलिस्ट की गैदरिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट बुलाए जाते हैं, इनवाइट किया जाता है इन जर्नलिस्ट को. फिर वो जर्नलिस्ट पहले गवर्नमेंट की सारी बातें सुनते हैं, चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर है उनकी सारी बातें सुनते हैं, और उनकी बातें सुनने के बाद दे आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर इशू. जो भी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उस पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैसे गवर्नमेंट उसको सॉल्व करेगी या आगे की क्या प्लानिंग है. और फिर जो गवर्नमेंट आंसर देती है उस पूरे सारे क्वेश्चंस को ये जो जर्नलिस्ट हैं ये आगे रिपोर्ट करते हैं, यानी कि या तो न्यूज़ चैनल में बताते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छापते हैं, प्रिंट करते हैं. तो गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू नॉट ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली बट दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस थ्रू द हेल्प ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो आई होप आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है एकदम अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा. गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखती ही है, इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंटल वर्किंग, बट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट. अब ये लॉज हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर सैनिटेशन क्लेनलीनेस इससे रिलेटेड हो सकते हैं. सो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट ऑन डिफरेंट इशूज. और ये जो लॉज बनाए जाते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बनाए जाते हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा था हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट की, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है दे हैव द अथॉरिटी टू मेक न्यू लॉज. अब ऑपोजिशन जो है वो इन लॉज का प्रोटेस्ट कर सकती है अगर उनको ये लॉज सही नहीं लगते लोगों के लिए. दे कैन यू नो पिन पॉइंट की क्या कमियां हैं इन लॉज में, कैसे गवर्नमेंट को ये लॉज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए. तो ऑपोजिशन पार्टी का ये काम होता है, बट ये सारा जो लॉ मेकिंग होता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही होता है. अगर बाय चांस कोई लॉ पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, जैसा हमने पढ़ा था दैट एमएलएज हैव टू अप्रूव ऑल द डिसीजंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स. तो अगर ऐसा ही कोई लॉ है, अगर गवर्नमेंट का ऐसा ही कोई डिसीजन है लॉ वाला, तो वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है यानी कि सारे एमएलएज अप्रूव कर देते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स होते हैं दे इम्प्लीमेंट दीज लॉज. ठीक है, तो अगर कोई लॉ बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन रिलेटेड लॉ बनेगा और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उस लॉ को एनफोर्स करेगा और जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको हेल्प कर सकते हैं अपने वे में, डिपेंडिंग अपॉन लॉ क्या है, क्या नया लॉ बनाया गया है. तो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से बच्चों याद रखना है, ये यूजुअली 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है या फिर इवन आगे की क्लासेस के लिए भी आपको ये एकदम अपने ब्रेन में एकदम फिट कर देना है, एकदम स्टोर कर देना है और इस फाइल को कभी डिलीट नहीं करना है. वो ये है कि जो भी स्टेट के लॉज बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, लेकिन अगर कोई लॉ पूरे कंट्री में बन रहा है तो वो पार्लियामेंट में बन रहा है, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ोगे. बट अभी आप इतना सा समझ लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी राज्य के कानून हैं, स्टेट लॉज हैं, वो बनते हैं, और पार्लियामेंट में जितने भी देश भर के लॉज हैं, पूरे कंट्री पे जो लॉज अप्लाई होंगे पार्लियामेंट में, वो लॉज बनते हैं. सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत छोटा है,
बट समझने की चीजें इसमें बहुत ज्यादा हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूजुअली इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं कि एमएलए कैसे फॉर्म होते हैं और फिर वो चीफ मिनिस्टर्स कैसे बनाते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मैं क्विकली रिकैप करना चाहूँ तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, हर स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, यानी हर स्टेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जो उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस भी पार्टी के एमएलए जो हैं वो नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका हाफ से ज्यादा एमएलए अगर किसी पार्टी के जीतते हैं तो वो बन ऑटोमेटिकली बन जाती है मेजोरिटी पार्टी। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, यानी जिसके सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जीते हैं, एक रिक्वायरमेंट से ज्यादा एमएलए जीते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेजोरिटी में है वो बन जाती है रूलिंग पार्टी। और जितने भी एमएलएज हैं जो जीत तो गए बट रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं है, वो सब बनते हैं ऑपोजिशन। अब ये जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं ये अपना एक लीडर डिसाइड करते हैं जिसको कहते हैं चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर और आगे अपने खुद के लिए मिनिस्टर्स चूज करता है जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे, डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। और चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स को अगर कोई अपॉइंट करता है तो वो होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर के क्या रोल्स होते हैं, मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एमएलए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा है, अभी इसी वीडियो में पढ़ा है। इसके अलावा ये तो बनती है स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है, बट वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट अपने व्यूज एक्सप्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा जितने भी लॉ मेकिंग है, यानी कि जो नए कानून होते हैं, अगर गवर्नमेंट को वो नए कानून बनाने हैं सो दे मेक इट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी स्टेट के लॉज होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं और जो भी पूरे कंट्री के लिए लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। एंड नाउ वी मूव अहेड टू अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस के फीचर्स, यानी कि अन अकेडमी की जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जो एकदम फ्री है एज द नेम सजेस्ट, उसके क्या फीचर्स हैं। तो वो फीचर्स आपकी स्क्रीन पे है। यू लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन होते हैं, आप एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जो ऑब्वियसली इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। बट आप अगर अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो तो आप एजुकेटर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इनफैक्ट एजुकेटर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपको वो क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। इसके अलावा आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एजुकेटर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप ये भी देख सकते हो कि आपके जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं या रिलेटिव्स कजन्स आपकी ही एज के, अगर वो पर्टिकुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो सब लोग कौन से आंसर सही दे रहे हैं, आप कौन सा आंसर सही कर दे रहे हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ कंपीट कर सकते हो। सो दीज आर बेसिकली ऑल द फीचर्स ऑफ द अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लासेस जो एकदम आपके लिए फ्री है। अब आती है अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन फीचर्स की, यानी कि अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे। तो आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहे हैं इतने सारे फीचर्स मिलेंगे। यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, आप किसी भी टाइम अपने घर से किसी भी कमरे से पढ़ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ सकते हैं। अन अकेडमी आपको स्टडी मटेरियल देगा, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट रेगुलरली होते हैं, लाइव टेस्ट होते रहेंगे ताकि आपको एकदम एक एग्जाम जैसा फील आता रहे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, यानी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आप वो सब क्लियर कर सकते हो अन अकेडमी का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपका चैप्टर रिलेटेड डाउट, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट आप रेगुलर बेसिस पे हम क्लियर करवाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अन अकेडमी पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इसलिए यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आपको पढ़ने हैं वो सब अन अकेडमी पे अवेलेबल है। आप यू नेम अ कोर्स एंड देयर इज अ कोर्स ऑन अन अकेडमी, ऐसी वाली बात है। प्लस आपको एक मेंटोर भी मिलता है जो आपको गाइड करता रहता है कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए,
और अब आपको क्या करना है, इतने सारे अगर बेनिफिट्स और फीचर्स आपको चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर प्राइस कि अलग अलग पैकेजेस आपको दिख रहे हैं। 24 मंथ का पैकेज, 18 मंथ, 15 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, अलग अलग पैकेजेस हैं। आपको जो पैकेज कन्वीनियंट हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, आप वो सब्सक्रिप्शन उस पैकेज का ले सकते हैं। आपको दो टाइप की प्राइस भी दिख रही होगी, एक जो नॉर्मल प्राइस है और दूसरी 10% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो भी आपको दिख रही है। और जैसा मैंने बताया था, अगर आपको 10% चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हो तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो अभी जो मैंने आपको बताया था वो था नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जो उसके सारे प्राइस मैंने बताए। अब ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, लेट्स से आपको दिल्ली टू जयपुर ट्रेन से आना है, अब आप किसी भी कोच में अपना टिकट करवा सकते हो। आप जनरल डिब्बे में बैठो, आप स्लीपर कोच में जाओ, आप थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, किसी के भी टिकट ले लो, पहुंचाएगी तो ट्रेन आपको एक ही जगह। बट क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है आपका कंफर्ट लेवल। जितना अच्छा आप और बड़े कोच का टिकट लोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर स्लीपर कोच से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, लग्जरी, कंफर्ट होगी फर्स्ट एसी, है ना। तो वैसे ही आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी का लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, नो डाउट। बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो थोड़े से बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलेंगे। वो क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको पर्सनली एज अ फ्रेंड गाइड करता रहेगा कि तुम यहाँ सही कर रहे हो, वहाँ गलत कर रही हो, ऐसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसे तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे परफॉर्मेंस को तुम इम्प्रूव कर सकते हो, वो सब तुम्हारा मेंटर तुम्हें पर्सनली गाइड करेगा एज अ फ्रेंड। प्लस पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं पेरेंट और एजुकेटर की मीटिंग। हमारे पेरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से स्ट्रीम में मेरे बच्चे को आगे जाना चाहिए, किस में ये अच्छा कर सकता है, कैसे ये और अच्छी इम्प्रूव कर सकता है या कर सकती है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के पेरेंट्स को हैं वो सारे क्वेश्चंस एजुकेटर्स सॉल्व कर सकते हैं। वो पेरेंट्स को भी गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐसे आपको अपने बच्चे को अगर एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनाना है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा लाइव डाउट सॉल्विंग होता है, यानी कि आप लाइव रियल टाइम में एजुकेटर से जो है अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। एकेडमिक डाउट जितने भी आपके कोर्स रिलेटेड या कोई एग्जाम है आपका कोर्स से, तो वो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो एजुकेटर से। इसके अलावा अनअकैडमी वीकली रिपोर्ट भी आपको देगा कि वीकली में आपने कैसे परफॉर्म किया, क्या प्रोग्रेस रही आपकी थ्रू आउट द वीक, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो इन कमिंग वीक्स, या आपने इस वीक में कहाँ इम्प्रूव किया, कहाँ इम्प्रूवमेंट दिखा, तो वो आपको वीकली रिपोर्ट्स में मिलता रहेगा। प्लस अनअकैडमी एक स्टडी प्लानर भी आपको देगा, सो दैट बेसिकली इज अ स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिसीवर दैट हाईलाइट्स योर प्रोग्रेस, यानी कि आपकी प्रोग्रेस पूरे मंथ में जो क्या रही है, आपकी जो स्टडी को ट्रैक करके एक स्टडी प्लानर भी अनअकैडमी देगा। प्लस नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स थे वो सब भी यहाँ पे मिलते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन सब्सक्रिप्शन को लेना है और उसकी प्राइस आपके स्क्रीन पे है। अगेन अलग अलग पैकेजेस हैं, 24 मंथ, 18 मंथ, 15, 12, 6 मंथ के पैकेजेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उनके नॉर्मल प्राइस प्लस 10% डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 10% कैसे मिलेगा वो तो अब तक आपको पता ही होगा कि आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ PJAIN10। अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो है इतनी 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो अनअकैडमी आज के टाइम पे आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है, आपके ऊपर इतनी मेहनत हम करना चाहते हैं ताकि आपके जो है रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाए। आज के टाइम पे इतनी मेहनत कौन करना चाहता है यार। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी, एनरोल योरसेल्फ टू एनी ऑफ द कोर्स, कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोई भी पैकेज जो आपको कन्वीनियंट है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वो पैकेज लीजिए, एंड लर्न द बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट।
तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया होगा वो भी पसंद आया होगा और आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे. प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो सो दैट हमारे जैसे एजुकेटर्स को और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके टू यू नो प्रिपेयर द बेस्ट कंटेंट फॉर यू एंड टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, बैचमेट्स, रिलेटिव्स, कजन, जो भी आपकी एज के हैं या फिर कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि उनकी उनको भी बेनिफिट हो सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल, प्लस हिट द बेल आइकन ताकि अनअकैडमी के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले मिल सके. So that is all from my end. Thank you so much for watching this video and staying tuned till the end. Together we and you can crack any exam. So let's crack it. Thank you so much. See you in next video. Thank you.